एक ताजा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच में। एक यंग ऑफिसर हैं पीडी नित्या जो एसपी लद्दाख है, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में पिछले हफ्ते, जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एनुअल डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसे आयोजित इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया था। इस रिपोर्ट में उन्होंने काफी अहम बातें कही हैं। उनका ये कहना था कि जो इंडिया के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है लद्दाख में, जो कुमारकोम रेंज में है, कुमारकोम और चुरमुर के बीच में लगभग 65 जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उनमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भारत जो है वहां पर अपना डोमिनेंस जो है वो खो चुका है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इन इलाकों में जो सिविलियंस हैं वो नहीं जाते हैं, आवाजाही कम है, तो चाइना इन इलाकों को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है और कहता है कि ये भारत को बिलोंग नहीं करते। इनफैक्ट जो बफर जोन है, दोनों देशों के बीच में बफर जोन है कुछ कुछ किलोमीटर का, तो वो जो बफर जोन का इलाका है वो बढ़ाता जा रहा है, वो जो एरिया है वो बढ़ाता जा रहा है, और जब भी डी एस्केलेशन टॉक्स होती हैं तो वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है ये बफर जोन के एरियाज। यही नहीं, उसने हाई रेजोल्यूशन कैमराज जो है वो हाई वेंटेज पॉइंट्स पे लगाए हुए हैं ताकि वो नजर रख सके इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज पर, अगर कुछ भी आवाजाही होती है तो वो उसको ऑब्जेक्ट करता है, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। इसके ऊपर अब केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जो जवाब आया है वो भी बहुत अहम है। उनका ये कहना है कि कोई भी टेरिटरी डिसएंगेजमेंट के कारण जो फ्रिक्शन एरिया से वो इंडिया ने अपना डोमिनेंस उस पर नहीं खोया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ एरियाज जहां पर पेट्रोलिंग नहीं की जा रही, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, वो इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि भारत ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किया हुआ है और दोनों ही पक्षों ने ये तय किया है कि इन एरियाज में जो है वो पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। जो पास्चर लैंड है, कोई भी यानी ग्रेजिंग लैंड जहां पर जो चरवाहे हैं अपनी जो शीप या फिर भेड़ बकरी या उनको चरवाने जाते हैं, वो लैंड जो है कुछ भी इंडिया ने खोया नहीं है। और उन्होंने ये भी दावा किया है रक्षा मंत्रालय ने कि अगर चाइना कहता है कि उसके पास हाई रेजोल्यूशन कैमराज है, अगर ज्यादा नहीं तो भारत के पास भी उतने ही हाई रेजोल्यूशन कैमराज है, और वो भी चाइना की जो आर्मी है उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी रिपोर्ट में जो एसपी हैं उन्होंने ये भी एक सजेशन दिया है कि वहां पे जो लोकल आवाजाही है उसको जो है वो बढ़ाया जाए, ये इसलिए क्योंकि वहां पर कम लोग जो हैं वो जाते हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर अब दोनों ही मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में एक अलग अलग रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।